करिया के महिलाओं की तरफ से एक लघु नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी असाधारण जीवन सा अद्भुत रीति से बदलने की ताकत रखने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा यीशु है। उनके लिए अपने सारे जीवन को अर्पण किया उस प्रेरित पौलुस के धुन भरे जीवन से हम एक छोटा सा झलक दिखाने जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस अपने बारे में कहता है कि पापियों से भी सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, फिर भी परमेश्वर का प्रेम जो हमारे ज्ञान से परे है उसे छुआ। मसीह का यह प्रेम उसको विवश करने के कारण चाहे वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, विरोध की बातें क्यों ना हो, या सारे के सारे लोग त्याग देने से भी क्यों ना हो, जो प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना उन लोगों तक प्रभु का वचन को पहुंचाने के लिए परमेश्वर स्वयं पौलुस का सहायक बना। आइए उनके जीवन के द्वारा हम भी अपने जीवन में एक चुनौती पाएं। हे प्रभु, अब तक तो तू मुझे एशिया के एक प्रांत में कलिसियाओं को विश्वास में स्थिर करने के लिए अनुग्रह दिया है। हे प्रभु, पूरे एशिया भर में ऐसी आत्माओं को जीतने में तेरी आत्मा मुझे आगे ले चले। पौलुस, तू अब एशिया में नहीं जाना, तेरे बारे में मेरी योजना अलग है। भाई, अब कलिशिया ये विश्वास में स्थिर होते जा रही है और दिन ब दिन विश्वासियों की संख्या बढ़ते जा रही है। प्रभु को धन्यवाद हो, ये कितने आनंद की बात है। प्रिय भाइयों, इतना ही से हम लोग तृप्त होकर बैठना नहीं है, पूरे एशिया भर में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाने का मुझे मन था, लेकिन पवित्र आत्मा वहाँ जाने से रोकता है। फिर भी नाश के ओर जाने वाले को बचाने के लिए मेरा मन तड़प रहा है, इसलिए हम मुसिया से होकर त्रुगोस को जाएंगे और तिमोथियुस को भी साथ लेकर जाएंगे। आइए पौलुस जी, सिलास जी, परमेश्वर की महिमा हो, आपकी सेवा से हम बहुत खुश हैं। आपका प्रार्थना और उत्साह भरी शब्द हमें और आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य देता है। आपके बेटा तिमोथियुस को भी साथ में ले जाने के लिए आए हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह तो आपका ही बेटा है, आप उन्हें जरूर ले जाएं। ठीक है, अभी भोजन करके थोड़ा आराम कीजिए। पार उतर कर मैकेडोनिया में आ और हमारी सहायता कर। भाइयों भाइयों, मैंने एक दर्शन देखा है, उससे मुझे निश्चित होता है कि हमें मकदूनिया जाना है। क्या हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएं? चलो। पौलुस जी, आप मत जाइएगा, वहाँ की परिस्थिति गंभीर हो सकता है, वे लोग आपकी जान भी ले सकते हैं। आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं, हम लोग आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप नहीं रहेंगे तो कौन हमें संभालेगा। यहाँ का सेवकाय इतना अच्छा चल रहा है, आप इसे अधूरा छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? अगर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है तो आप लोग हमें क्यों रोकना चाहते हैं? मैं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए अपना प्राण भी दे सकता हूँ, यह तो मेरे सौभाग्य है। चिंता छोड़िए, प्रभु भला है हमेशा के लिए। जैसे परमेश्वर की योजना यह थी कि सारे रोम साम्राज्य में सुसमाचार पहले सुनाया जाना है, इसलिए मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नहर फिलिपी गए। अभी पौलुस का झुंड कई दिनों तक उसी जगह में रहने के बावजूद भी सुसमाचार सुनाने का राग या वातावरण बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मसीह के लिए धुन के साथ सेवा करने वाले कभी हारते नहीं, कभी निराश भी नहीं होते। लुदिया नामक बैगनी कपड़े के व्यापार करने वाली एक ऊंची कोटि की बली स्त्री रहती थी, जो यहूदी भक्तनी थी। ऐसे लोगों को भी जीतने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। भक्तों को अपने लिए नियुक्त करके रखने वाला हमारा प्रभु ऐसे लोगों को कैसे अपने पास लाया, आगे देखिए। बच्चे,
यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण ही हम इतनी आशीषित रहते हैं। आइए सुबह सुबह प्रभु की आराधना करेंगे। मामा, मसीह हमें बचाने आने वाले हैं। अब हमेशा बोलते हैं वो कब आएंगे। बाबू सुनो, मम्मी अभी व्यापार के काम से जाना है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अब चलो प्रार्थना करेंगे। आज रविवार परमेश्वर का दिन है, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस रोम साम्राज्य में एक भी आराधनालय नहीं है। रोम का बादशाह ही सबका भगवान होता है, क्या करेंगे, वो तो है। ऐसे वातावरण में भी हम परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जीवन जी सकते हैं। छोड़िए ना उन सब बातों को, परमेश्वर सब संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तुझे प्रसन्न करने का एक योग्य जीवन जीने हम चाहते हैं, तेरे नाम की महिमा करने चाहते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए। आमीन। आइए मेरे दुकान में, आइए मेरे दुकान में, आइए सस्ता सस्ता माला मिलेगा। पहन कर देखिए, मोती माला है, साइना का माला, सुंदर माला, आइए ले लीजिए, ले लीजिए। भाई बहनों आइए आइए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले जाइए। चिंदिया भैया कहीं नहीं मिलेगा, सब मिलता है, आइए खाइए। बाप बेटा अपने घर में ले जाइए, अपने में दो ले जाइए। सुनिए, आपके जैसा प्रार्थना करके परमेश्वर के बारे में बताने वाले एक झुंड को मैंने देखा है। वे जो बताते हैं वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आइए हम सब चलकर सुनते हैं। चलो जाके देखते हैं। आज अंधकार में पड़े हुए लोग पाप और श्राप से तथा शैतान के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मसीहा के इंतजार करते हैं, लेकिन वह मसीहा हमारा प्रभु यीशु है, जो हमें बचाने के लिए अपने आप को नम्र किया और मनुष्य को रूप लेकर इस संसार में आया, अपने प्रेम को प्रकट करके लोगों को भलाई करते रहा, हमारे पापों के लिए एक अपराधी की तरह दुख सह के क्रूस पर प्राण दे दिया। भाई आप जो भी कहे वो सारे बातें हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे लिए उदार को लाया वो मसीहा कैसे मर सकता है, वो तो परमेश्वर है ना। बहन, वो हमारे पापों के लिए मरा, पर तीसरा दिन मृत्यु से जी उठा, शैतान को हरा के मृत्यु के ऊपर जय पाया, वो आज भी जिंदा है। हाँ, मैं अभी सत्य को जान गई। बहनों, ये जो भी कहते हैं सब सत्य है। भाई, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? जरूर अपने पापों को अंगीकार करना और प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेना है। बहन भाइयों, मैं प्रभु को पूर्ण मन से ग्रहण करती हूँ, मैं अपने घराने के साथ बपतिस्मा लेने चाहती हूँ। बहन, इसके द्वारा जरूर प्रभु की महिमा होगा। अगर तुम प्रभु के नाम पर विश्वास करती हो तो रुकावट नहीं है, अभी बपतिस्मा ले सकती हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। भाई, यदि तुम मुझे विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, आप सबको मेरे घर आना ही पड़ेगा। सच्चे मन में परिवर्तन परमेश्वर की अनुग्रह का ही कार्य है। ये यूरोप की पहली मसीह स्त्री थी। लुदिया को परमेश्वर ने वहां तक रुकने नहीं दिया, साथ ही साथ पौलुस और उसके साथियों के सारी आवश्यकताओं को उसके द्वारा प्रबंध किया। जब सभी बातें सही से होता हुआ प्रतीत होता है, तभी एक नई समस्या आई, अर्थात कठिन वातावरण सामने आता है। मसीह का जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है कि प्रभु के ग्रहण करने के बाद आराम के साथ रहे, पर ये एक कांटोबरी जीवन है। फिर भी बुराई को भलाई में बदल डालने वाला परमेश्वर इस कठिन समस्या को भी कैसा बदलता है
आगे देखेंगे। भैया, मेरा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, चारों ओर अंधेरा जैसा दिख रहा है, मन बहुत घबराता है। भैया, मुझे इस काम से छुटकारा दीजिए ना, मैं आपके पांव पकड़ के विनती करती हूँ, दया कीजिए। नहीं नहीं, तुमको छोड़ेंगे तो हमारा कमाई का क्या होगा? चलो चलो, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं और पूजा के लिए भी सब कुछ तैयार है। आज अच्छा कमाई मिलेगा, बहुत भीड़ है, चलो जल्दी करो। माँ जी, मेरे घर में कितने भी कमाने पर भी पैसा हाथ में नहीं रखता है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ राग बताइए माँ जी। तू मेरी मंदिर में जाके 10 मुर्गा और 5,000 रुपया चढ़ाओ, तेरी सब गरीबी भाग जाएगी। माँ जी, मेरे बेटे 1 महीना से खो गया है, वो कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, आप अपने जादू टोना से पता कीजिएगा वो कहाँ है। इसके लिए 10,000 रुपये और 50 पाउच दारू की जरूरत है, मैं पूजा करके तुझे बता दूंगी, खुशी से जाओ, तेरे पास तेरा बेटा अपने आप पहुंच जाएगा। देखो देखो, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग को दिखाने आए हैं। भाई, रोज ही हमें इसी तरफ पीछा करके तंग करती है, क्या करें? मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, निकल जा। अरे उठो 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 ना। ये क्या, अचानक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भिन्नता महसूस हो रहा है, मुझसे वो बुरी आत्मा चली गई, मुझे कितनी शांति लग रही है। अरे देखो, स्त्री के पास से बाई कहने का सामर्थ हट गया है, अब हमारी सारा कमाई गए काम से। सचमुच इनके परमेश्वर की सच्चा लगता है, हमें उधार दिलाने वाला प्रभु है क्या? अरे सुनो, इन लोग तो हमारे सारे कमाई पर पानी फेर डाला, इन्हें छोड़ना नहीं है, पकड़ कर प्रधानों के पास ले जाएंगे, पकड़ो उन्हें। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करता है उसको कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकता, क्या क्लेश, क्या दुख, क्या उपद्रव उसे प्रभु की सेवा करने से पीछे हटा नहीं सकता। सुसमाचार सुनाने के लिए ही जन्मा हुआ एक व्यक्ति के हाथों को बंदीगृह में बांधकर नहीं रख सकता। यहाँ पौलुस और सीलास इस समस्या से बच सकते थे अगर उस स्त्री को ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन वे प्रभु के नाम के निमित्त दुख सहने के लिए तैयार थे, इस कारण झूठे इल्जाम लगाए गए, शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ा, मारे गए, अपमानित किए गए, बंदी भी बनाए गए। चलिए आगे देखेंगे। ये बड़ी अपराधी लोग हैं, उनके कपड़े उतार कर मारो, हाथ पैर बांध कर बंदी गृह में डालो। देखते हैं कैसे ये लोग प्रचार करते हैं, सावधानी से रखवाली करो, कहीं भाग ना जाए। ठीक है हुजूर, आपकी आज्ञा। प्रभु के निमित्त अपना प्राण को भी देने वाले अर्पित सेवकों के लिए कोई उपद्रव सहना साधारण है सिलास, हमें कभी दुखित नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे यकीन है कि प्रभु हमें बचाएंगे। सिलास, अब यहाँ पर भी इन कैदियों के बीच हम गवाही बन सकते हैं, प्रभु की महिमा होने पाए। पवित्र तू पवित्र
इन लोगों का गीत कितना अच्छा लगता है। मेरा दिल एक बहुत बड़ा आनंद और शांति से भर गया है। कैसे इन लोग इस प्रकार वातावरण में भी आनंद के साथ गा रहे हैं। अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ? बाप रे बाप, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। आओ आओ वो भाग जाएंगे। बाप रे बाप, मैं अब क्या करूँगा? सारे द्वार खुला हुआ है, लगता है सब कैदी भाग गए। हाकिम को मालूम होगा तो वो मुझे मार ही डालेगा। उसके हाथ में पड़ने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊँ। भाई रुको रुको, अपने आप को हानि ना पहुँचा। हम सब यही है परमेश्वर हमें बचाने के लिए ही यह अद्भुत काम किया है। क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो अपने सेवकों को कभी नहीं त्यागेगा। भैया मैंने आपके समान किसी को भी नहीं देखा। आपके ईश्वर के समान और कोई आज तक इस तरह बड़े कामों को किए भी नहीं है। मैं इसी ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। आप मुझे बताइए कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। आप मेरे घर में आकर प्रभु के वचन सुनाइए। इसी तरह फिलिपी में एक कलीसिया का शुरुआत हुई। अब पौलुस कलीसियाओं को स्थिर करने लगा, पवित्र शास्त्र से वचनों को लगातार समझाने लगा और वचन के प्रति लोगों के दिल में प्यास को डाला। लोग प्रभु में बढ़ने लगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और कई जगहों में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जाना होगा और आपसे मैं कब मिलूं मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप लोग मसीह में स्थिर रखकर विश्वास में बढ़ते रहना, यही मुझे आनंदित करेगा। भैया ये कैसे होगा? एपाफ्रास्ती तू चिंता ना करो, प्रभु तेरे साथ है। इसके बाद और कई जगहों में पौलुस ने मिशनरी यात्रा करके कलीसियाओं को और लोगों को प्रभु में मजबूत करता रहा। अंत में जब वह यरूशलेम में था तब विरोधी लोग उसे रोमियों के हाथ में पकड़वा दिया। एक पक्षी के भांति आज़ादी के साथ सुसमाचार सुनाने वाला पौलुस अभी चार दीवारों के अंदर कैद है, किसी से मिल नहीं सका। आर्थिक कमी भी उनके पास है। फिलिपी कलीसिया इन सब बातों की जानकर उनके कठिनाई में कैसे साथ देते हैं आगे देखेंगे। क्या आपको मालूम है कि प्रेरित पौलुस जो हमें मसीह जीवन में अगुवाई किए थे वो अभी जेल में है? अन्य लोग होने के बावजूद भी पौलुस भाई ने हमारे लिए कितना दुख सहा और कष्ट उठाया। जी हाँ, मैं भी शैतान के बंधन में थी। लोगों ने मुझे इस्तेमाल करके पैसा कमाए लेकिन जरा सा भी मुझे शांति नहीं थी।
पौलुस भैया के द्वारा ही परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया। आज हमें उनके लिए प्रभु से प्रार्थना जरूर करना चाहिए। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। उनके द्वारा मिला हुआ सत्य वचन हमें बलवन बनाता है। अब उनके संगत में सहायता करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। उनके मदद के लिए हम दान इकट्ठा करके भेजेंगे। जी बहन, आपने अच्छा सोचा है। साथ ही एक प्रेम की चिट्ठी भी लिखकर भेजेंगे, लेकिन इसको लेकर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। आप सबों को कई जिम्मेवारियां हैं। मुझे भी पौलुस भैया को देखने को बहुत मन करता है। उनके साथ जो मैं समय बिताया, उन दिनों को मैं भूल नहीं सकता। यह बात को सोचकर मुझे बहुत आनंद होता है। बहुत प्यार से और दरिद्रता के बीच में भी वे लोग मन के साथ पैसा को इकट्ठा करके दिया है। उसके साथ हमारे प्यार की चिट्ठी भी है। पौलुस भाई के पास दे दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो भी मैंने कहा, ये सब बातों को मैं आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ। जैसे पौलुस अपने जीवन में एक अच्छी कुश्ती लड़कर अपनी दौड़ को पूरा किया और धर्म का मुकुट प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने दौड़ को अच्छी तरह से प्रभु को इच्छा के अनुसार पूरा करना है। हमारे लिए भी मुकुट रखा हुआ है। बंधन में था, कैद होने पर भी पौलुस के द्वारा लिखा हुआ ये पत्र न केवल फिलिपियों के कलीसिया को स्थिर किया, आज तक विश्व भर में मसीह के शरीर रूपी कई हजारों कलीसियाओं को, हर एक मसीह विश्वासी को प्रभु में बलवंत बनाते आ रहा है। आज इस पौलुस के जीवन हमारे सामने एक चुनौती है। क्या आप इस पीढ़ी के लिए एक पौलुस बनकर एक बड़ा पीढ़ी को प्रभु के लिए तैयार करेंगे? आज की पीढ़ी आपका इंतजार कर रही है। आज ही निर्णय ले और प्रभु को इच्छा पूरी करने है तो अपने को समर्पण करें। प्रभु हम सभी को आशीष दें। धन्यवाद।